नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, सागर के बिलहरा में प्रतिमाओं के अनावरण के साथ हुआ 20 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। सागर की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बिलहरा में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रतिमाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री राजपूत ने कहा कि भारत को आज़ादी दिलाने में पहला नाम महात्मा गांधी का है, तो समाज सुधार और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने में संघर्ष करने में पहला नाम भीमराव अंबेडकर का आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन उस समाज में महिलाओं की स्थिति से किया जाना चाहिए। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित होकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया और सरकार ने मातृत्व वंदना योजना दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 20 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया, 1.30 करोड़ से बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व संजीवनी भवन का लोकार्पण। कार्यक्रम में मंत्री राजपूत ने बिलहरा बस स्टैंड पर 1.30 करोड़ की लागत से बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और संजीवनी भवन का लोकार्पण किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।